क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं, कुछ ऐसा एक रिलेट कराया है क्वेश्चन, देखो ऐसा कुछ भी है, एक कंस्ट्रक्शन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिला, आईटी में कई बार पूछा इस टाइप का क्वेश्चन। बोला क्या, डब्ल्यू वेट इज सपोर्टेड बाई टू केबल, दो केबल से सपोर्टेड है, ठीक, द टेंशन इन द केबल मेक इन एंगल थीटा, ये दिया है विद द हॉरिजॉन्ट, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, फिर से पढ़ते हैं, द वेट डब्ल्यू सपोर्टेड बाई केबल एज सोन, ये दिया हुआ है, द टेंशन इन द केबल मेक इन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विल बी मिनिमम, टेंशन मिनिमम हो तो थीटा कितना होना पड़ेगा, देखो कैसे निकालेंगे, ये वेट है जो कि नीचे लटकेगा, ठीक, ये एंगल मान लो बच्चों कुछ, मान लो कुछ कुछ अल्फा मान लो, ठीक है, अब देखो यहां लामीज थ्योरम लगेगा, लामीज थ्योरम क्या होता है, फोर्स और सामने वाले का एंगल, ठीक, फोर्स और सामने वाले का एंगल कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही तो पढ़ते थे, कुछ ऐसे ही होता था, तो ये W है तो सामने वाले का एंगल, W सामने वाले का एंगल कितना अल्फा है, ठीक, और हमें T2 से मतलब है क्योंकि यही वाला टेंशन बताना है आपको, ये वाला टेंशन, ठीक, तो ये T2 है और सामने वाला जो ये एंगल है ये कितना होगा, 90 होगा ना, ये कितना है 90 है, और ये 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, बोलो होगा कि नहीं, तो T2 के सामने वाला तो यही एंगल हुआ, ठीक, T2 सामने वाला एंगल कितना हुआ 150 हुआ, ठीक, अब बोला है कि टेंशन मिनिमम कब होगा, ठीक, तो टेंशन मिनिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी हो जाए मैक्सिमम, तो ये क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी मिनिमम, तो साइन अल्फा अगर मैक्सिमम हो जाए, साइन अल्फा है साइन थीटा मतलब है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1, ठीक, तो इसका मतलब जो भी अल्फा होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, जो भी अल्फा आएगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक, आओ देखते हैं, फोकस हो इधर, इधर ये पूरा कितना होगा 180 को बनाने के लिए, 180 को बनाने के लिए थीटा की जरूरत पड़ी, अल्फा की जरूरत पड़ी और 60 की जरूरत पड़ी, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 120, ठीक, थीटा और अल्फा, ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस थीटा, कितना हो गया 120 माइनस थीटा, ठीक, 120 हो गया, इसको इधर कर ली और ये थीटा, तो कितना डिग्री आया 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो तो टेंशन क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, देखो आ गया आसानी से, तो कौन सा आंसर, वी आंसर क्या है सही।